गेस्ट विथ माय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आधा किलो आम से पके आम से जो कि महीनों रख के इसे यूज कर सकते हैं और उसका जब जब मन करे जूस बना के पी सकते हैं और मेहमानों को पिला सकते हैं। तो चलिए फटाफट जूस बनाना शुरू करते हैं। मैंगो जूस बनाने के लिए मैंने दो पका आम लिया है, ये देखिए पका आम है, और ये एक कच्चा आम लिए हैं। ये कच्चा है लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का पीला हो गया है, ये कच्चा आम है, पका नहीं है। इसे छील लेंगे, इसको मैंने छील के काट लिया है, इसको भी छील लेंगे। इसको ऐसे आराम से चाकू से छील लेंगे। ये देखिए आम को चाहे छील के करें चाहे ऐसे काट लें, ऐसे भी काट के कर सकते हैं, और इसको ऐसे बीच में करके ऐसे फटाफट इसका पल्प निकल जाता है। ऐसे करके और ऐसे कर देंगे, देखिए कितना आसानी से इसका पल्प निकल गया सब। ऐसे ही हम फटाफट निकाल लेंगे। देखिए इस छीलने से ज़्यादा आसान होता है ये, ऐसे इसका पल्प निकालना। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं, देखिए दूसरा भी दिखा रहे हैं, ऐसे कट करके और ऐसे करके। तो ऐसे ही हम सब पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए पके आम का पल्प हमने निकाल लिया है, बहुत आसानी से निकल गया। इसको मिक्सर के जार में डाल के और पीस लेंगे। साथ में ये कच्चा आम का काट के रखे थे इसे भी डाल देंगे और सबको साथ में पीस लेंगे। ये देखिए हमने आम को पीस लिया है, आम को एकदम ऐसे ही महीन पीसना है ताकि थोड़ा भी इसमें गुच्छे ना रहे। तो इसको हम देखिए ऐसे ही पीसना है। इसको पीसते समय हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसे हैं, तो एक कप पानी डाले हैं इसमें पीसते समय। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें पीसा हुआ आम डाल देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल के जार को क्लीन कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि फटाफट गर्म हो जाए, और इसको बराबर चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, बराबर इसको चलाना है। इसमें हम 50 ग्राम चीनी डालेंगे। हमारा तीनों आम मिला के आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आम था, 600 ग्राम आम था, तो उसमें 50 ग्राम चीनी डाले हैं। चीनी थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। आप सोच रहे हो कि हमने मीठे पके हुए आम के साथ कच्चा आम क्यों डाला, तो हम आप बता रहे हैं कि कच्चे आम डालने से क्या फ़ायदे हैं। इसमें हम मैंने न तो नींबू डाला है न तो सैटिक एसिड डाला है खट्टे के लिए, और सिर्फ पका आम का हम बनाएंगे शरबत। तो मीठा मीठा उबाऊ लगता है, इसलिए थोड़ा सा खट्टापन आने के लिए हमने कच्चे आम का यूज़ किया है, इसीलिए इसमें कोई भी नींबू सैटिक एसिड की ज़रूरत नहीं है। इसे बराबर चलाएं, चलाते चलाते देखें इसका कलर कैसे चेंज होते जाएगा। इसे चला चला के पकाना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए हम पीसते समय एक कप पानी डाले थे और थोड़ा सा आधा कप पानी अभी डाल रहे हैं। कुल मिला के हमने 1.5 कप पानी इसमें यूज किया है। इसको बराबर चला लेंगे। ये देखिए पकाते पकाते इसको कितना सुंदर कलर आया है, बिना कलर डाले, बिना सैटिक एसिड के, बिना नींबू का, मस्त एकदम बढ़िया भी और कलर भी आ गया है इसमें। तो हमारा जूस बन के तैयार हो गया है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए थोड़ा भी हमारे में इसमें गट्टे नहीं पड़े हैं। अगर आपके पीसते समय गट्टे रह गए हैं तो उसे छन्नी में छान लें, तभी जूस अच्छा बन के तैयार होगा। हमारे में बिल्कुल गट्टे नहीं है, देखिए कितना एकदम बढ़िया पिसाया है। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
ये देखिए हमारा ठंडा हो गया है और देखिए कितना गाढ़ा है। आप चाहें तो ऐसे भी पी सकते हैं और नहीं तो इसका शरबत बना सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, इसे गिलास में डाल देंगे ऐसे, देखिए कलर कितना इसका प्यारा आया है, एकदम मैंगो फ्रूटी जैसा। इसको घर में बनाना उतना ही आसान है और जल्दी बन के तैयार हो जाता है और सस्ते में बन भी जाता है। आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है तो फटाफट मार्केट से मैंगो लाइए और इसे बनाइए। तो देखिए इसे फ्रिज में रख के ऊपर से आइसक्रीम डाल के और किसी को पीने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और फटाफट बन के तैयार हो गया। तो मैं इसका शरबत भी बना के दिखाती हूँ। इसका शरबत बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें काला नमक डालेंगे, एक गिलास में थोड़ा सा एक पिंच काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा ये जूस डाल देंगे मैंगो का। देखिए मैं कितना जूस डाल रही हूँ, बस इतना, दो कलछुल जूस में एक गिलास मैंगो जूस बन के तैयार हो जाएगा। इसमें ठंडा पानी डाल देंगे, इसे चम्मच से मिक्स करेंगे ऐसे। देखिए दो कलछुल हमने डाला था जूस, उसमें एक गिलास जूस बन के तैयार हो गया। इसमें आइसक्रीम डाल के और फटाफट किसी को सर्व कर सकते हैं। देखिए जितना हमारा जूस का वो बनाए हैं गो, उसमें 10 गिलास शरबत बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे डाल के और फटाफट कोई भी आपके घर आए उसे सर्व कर दे, बच्चों को पिलाएं, खुद पिए। इस जूस को आप किसी भी बोतल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज के बाहर तो 2-4 दिन में ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने कोई भी सिट्रिक एसिड चाहे विनेगर नहीं डाला है। लेकिन फ्रिज में आप इसे बोतल में भर के चाहे किसी भी बर्तन में, जग में, किसी चीज़ में रख के एक महीने तक यूज कर सकते हैं। कोई भी आए फटाफट इसमें ठंडा पानी आइसक्रीम डाल के और घोल के दे सकते हैं। तो हमारा जूस की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।